हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमेश। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस। आज के वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ मोशन के बारे में जानने वाले हैं। ये मोशन का पार्ट टू है। सबसे पहले जानना है कि मोशन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसका छह पार्ट्स होता है। पहला होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है स्पीड, पांचवा होता है वेलोसिटी, और जो लास्ट है वो होता है एक्सेलरेशन। आज के वीडियो में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में जानने वाले हैं, जो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज और उसके क्वेश्चंस में होता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये बेस होता है, इसलिए हम आज के वीडियो में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो है वो है डिस्टेंस। इसका जो डेफिनेशन होता है वो है कि द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड डिस्टेंस। ये कह रहा है कि जो स्पेस दो पॉइंट के बीच में स्पेस, जैसे कि ये पिक्चर है, इसमें दिखाया है कि ये एक लड़का है, ये साइकिल पे है एक पेड़ के पास, और यहां पे गया इस घर के पास, उसके दोस्त के घर के पास। तो इन दोनों के बीच में जितना भी लेंथ है, इन दोनों के बीच के स्पेस का लेंथ जितना है वो होता है डिस्टेंस। सो जैसे यहाँ पे है 4 मीटर और ये घर से पेड़ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर। इसमें ये समझना है कि पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सो पहले है ए से बी पॉइंट पे गया लड़का, पहले साइकिल पे, पहले वाले पेड़ पे था ए पे, ए पॉइंट पे, और फिर बी पॉइंट पे गया, फिर सी पॉइंट पे गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहला 4 मीटर ट्रैवल किया और जो दूसरा है वो है 3 मीटर ट्रैवल किया। तो दोनों को मिला के वो 7 मीटर ट्रैवल किया। अगर यही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तब ये होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ही जैसा होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सबसे छोटा पाथ नापा जाता है। सो जैसे ये जो पिक्चर था, इसमें जो लड़का है वो ए से बी पॉइंट तक जा रहा है और फिर बी से सी तक। तो ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो है ए से सी तक। सो इसका अगर हम दोनों का डिफरेंस करें ए से सी तक, तो इसका जो लेंथ है वो आता है 5 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा 5 मीटर। और यहाँ पे एक और है ग्राफ, ये फिगर, ये अगर हम इधर तरफ से गए, इधर तरफ से, इधर तरफ से, इधर तरफ से लेके 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 और फिर डायरेक्ट जाके बी पॉइंट तक पहुंचे, ये मान लीजिए बी है, ये ए है, तो ए से इस रास्ते से, घुमाव वाले रास्ते से बी तक गए, तो इसका डिस्टेंस तो उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए ये 25 किलोमीटर है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट नापे तब ए और बी के बीच में बस 10 किलोमीटर का अंतर है, बस रास्ता चेंज हो गया है लेकिन पॉइंट वही है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अगला जो है वो है टाइम। The time taken to cover that distance is called time. ये कह रहा है कि the time taken to cover that distance is called time. इसका ये कह रहा है कि एक समय जो एक distance को या displacement भी हो सकता है, displacement या distance को cover करने में जितना भी time लग रहा है उसको time कहते हैं, लेकिन ये जो last वाला time है ये motion वाला time है। So जैसे ये जो graph था, ये जो फिगर था, उसमें 25 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो मान लीजिए ये 1 आवर में ट्रैवल किया, तो ये हो गया इसका टाइम। और इसका डिस्प्लेसमेंट में जाए तो 10 किलोमीटर को ट्रैवल करने में इससे आधा घंटा या 20 मिनट लगता है, 20 मिनट्स। सो ये हो गया इसका टाइम। So if you like this video, like it and don't forget to subscribe my channel. If you have any doubts, comment in the comment box. Thanks for watching.